हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे डांस प्लस प्रो एपिसोड 21 से 24 तक की सारी बातें, जहां हमें शो पर धर्मेश सर दिखे और वहीं रेमो सर ने कौन सा चैलेंज कंटेस्टेंट के लिए लाया और कौन सा कंटेस्टेंट बना डबल प्लस का हकदार। ये सारी बातें हैं इस वीडियो पर। अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो के एंड तक बने रहे। एपिसोड 21 पे आया स्वाइप चैलेंज, जहाँ की कंटेस्टेंट को अपने टीम कैप्टन को छोड़कर दूसरे टीम कैप्टन की कोरियोग्राफी में परफॉर्म करना होता है, जहाँ की टीम शक्ति से द ट्रेंड क्रू जाती है टीम पुनीत पे, और वहीं टीम पुनीत से द मिस्टिक्स जाती है टीम राहुल पे, और एडीए ट्रायो सीधा जाती है टीम राहुल से टीम शक्ति पे। स्वैप चैलेंज में पहले परफॉर्म करने आते हैं द ट्रेंड क्रू टीम पुनीत से। बात की जाए परफॉर्मेंस की, जहां परफॉर्मेंस हमें बाकी परफॉर्मेंस से थोड़ा अलग दिखता है, क्योंकि ये कोरियोग्राफी पूरी टीम पुनीत की थी, जहां इनके कोरियोग्राफी में हमें थोड़ा सा कामनेस देखने को मिलता है और थोड़ा अच्छा सिंग देखने को मिलता है बाकी परफॉर्मेंस से। लेकिन जहां इनका एक कंटेस्टेंट डिसबैलेंस होने की वजह से इनका थोड़ा सा मार्क्स भी कटता है और जजेस जिसे पॉइंट आउट भी करते हैं। ट्रेंड क्रू को अपने डांसिंग पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना ही होगा, क्योंकि अगर आप सबको याद है सीजन 4 पर एक क्रू था गैंग 13, जिनका परफॉर्मेंस आज भी हमें याद है, लेकिन ट्रेंड क्रू अब तक वैसा परफॉर्मेंस दे नहीं पाई जो कि डांस प्लस प्रो के लेवल का हो। बात करें स्कोर्स की तो पुनीत सर से इन्हें मिलते हैं +5, राहुल सर से +4 और शक्ति मैम से +4, और वहीं रेमो सर से मिलते हैं इन्हें +9 और इनका टोटल होता है 22। और स्वाइप चैलेंज में सेकंड परफॉर्म करने आती है द मिस्टिक्स टीम राहुल से। कभी कभी हो सकती थी मगर ये हो ना सका। बात करें मिस्टिक्स के परफॉर्मेंस की तो आप सबको ही पता होगा कि मिस्टिक्स वैकिंग करती है, जहां राहुल सर ने अपनी कोरियोग्राफी पे बीट्स हटाकर सिर्फ मिस्टिक्स को लिरिक्स पे डांस करवाया, और जो कि एक बहुत ही टफ डिसीजन था। लेकिन बात करें कोरियोग्राफी की तो कोरियोग्राफी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी, जिस चीज़ को पुनीत सर ने भी अप्रिशिएट किया। और अगर बात की जाए स्कोर्स की तो पुनीत सर की तरफ से मिस्टिक्स को मिले +4, शक्ति मैडम की तरफ से +4 और राहुल सर की तरफ से +5 और रेमो सर की तरफ से भी +9 मिला और इनका टोटल हुआ 22। एपिसोड 21 और स्वाइप चैलेंज के लास्ट परफॉर्मर थे एडीए ट्रायो, जो कि टीम शक्ति से परफॉर्म कर रही थी। क्या बात है? बात करें इनके परफॉर्मेंस की तो इनके परफॉर्मेंस में हर बार की तरह हमें लिफ्ट एंड ट्रिक्स देखने को मिले, जहां शक्ति मैम ने एक बार राहुल सर को टोका भी था कि इनके परफॉर्मेंस में डांसिंग कम है, और वही यहाँ पर शक्ति मैम के परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डांसिंग देखने मिला। लेकिन वहीं एक गलती हो जाती है इनके एक लिफ्ट पे, थोड़ा सा मिसबैलेंस होने की वजह से इनका स्कोर कट जाता है, जिसके चलते राहुल सर की तरफ से इन्हें +4 मिलते हैं, शक्ति मैम की तरफ से +5 और पुनीत सर की तरफ से +4 और रेमो सर की तरफ से +9 और रेमो सर की तरफ से टीम शक्ति को स्टैंडिंग ओवेशन भी मिलता है और इनका टोटल होता है 22। और एपिसोड 21 के एंड होते होते स्कोर रहता है टीम राहुल का 22, टीम शक्ति 22 और टीम पुनीत 22। और वहीं एपिसोड के एंड होते होते हमें एक हिंट भी मिल जाता है कि एपिसोड 22 पे हमें धर्मेश सर दिखने वाले हैं। एपिसोड 22 की शुरुआत होती है धर्मेश सर की एंट्री से, जहां धर्मेश सर की एंट्री होती है और वहीं धर्मेश सर ये भी कहते हैं कि राहुल सर को जज की सीट पर देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता है। और वहीं धर्मेश सर लाते हैं एक चैलेंज, जो कि रहता है कोलैब राउंड यानी एक्स फैक्टर, जो कि धर्मेश सर कहते हैं कि उन्हें झामा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस बार का चैलेंज वही रहता है। वो झामा वामा हम लोग करते थे, कुछ नई चीज़ें करना नहीं। एपिसोड 22 में पहले परफॉर्म करने आते हैं टीम शक्ति से अमन एंड कुणाल। मैं तेरा हूँ या सहारा।
अगर बात करें इनके परफॉर्मेंस की तो इनके परफॉर्मेंस के स्टार्टिंग पर ही पता चल जाता है कि इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा जा रहा है। लेकिन तभी एंट्री होती है डी साइफर बीट बॉक्सर की, जहां उनके बीट पर ये परफॉर्म करते हैं तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ऑसम हो जाता है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बीट बॉक्सिंग के साथ इनका एलिमेंट जो डांसिंग पे यूज़ करते हैं वो देखने बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जहां इनके स्कोर्स की बात करें, धर्मेश सर की तरफ से इन्हें 5 मार्क्स मिलते हैं, पुनीत सर की तरफ से 5 मार्क्स और शक्ति मैम की तरफ से 5 मार्क्स और रेमो सर की तरफ से 10 मार्क्स मिलते हैं और इनका टोटल होता है 25। क्या बात है अमन, क्या बात है। आते हैं अपने दूसरे परफॉर्मेंस पे, जो कि रहते हैं टीम पुनीत से राकेश साहू। दर्द में अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की तो ये परफॉर्मेंस इस सीजन का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। आप लोगों को यह परफॉर्मेंस कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। जहां जजेस की तरफ से पॉजिटिव कमेंट्स मिले और वहीं शक्ति मैम ने ये भी कहा कि सिर्फ यही कंटेस्टेंट ग्रो करते हुए दिख रहा है। और जहां स्कोर की बात की जाए, धर्मेश सर की तरफ से 5 मार्क्स, पुनीत सर की तरफ से 5 मार्क्स, शक्ति मैम की तरफ से 5 मार्क्स और रेमो सर की तरफ से डबल प्लस, जहां इनका स्कोर होता है 30। और राकेश ऐसे पहले कंटेस्टेंट बन जाते हैं जो हैट्रिक डबल प्लस लेते हैं। एपिसोड का लास्ट परफॉर्मेंस रहता है टीम राहुल से अविरल और पर्व का। बात करें इनके परफॉर्मेंस की, जहां पुनीत सर ने ये कहा कि इनके डांसिंग पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट इनको चाहिए। जहां परफॉर्मेंस की बात करें तो पुनीत सर ने ये कहा, जहां लिरिक्स आते हैं प्यार वाले वहां ये एक्स्ट्रा एनर्जी लगाते हैं, जो चीज़ प्यार से हो सकती है, जिसके चलते इनको स्कोर मिलता है धर्मेश सर की तरफ से 5, पुनीत सर की तरफ से 4, शक्ति मैम की तरफ से 4 और रेमो सर की तरफ से 10 और इनका टोटल होता है 23। एपिसोड 22 के एंड होते होते टीम का स्कोर रहता है टीम पुनीत 52, टीम राहुल 47, टीम शक्ति 45। चलिए आते हैं एपिसोड 23 पे, जहां एपिसोड की शुरुआत होती है पुनीत सर के चैलेंज से और पुनीत सर का चैलेंज रहता है प्रो इट अप। अमेजिंग प्रो है तो उसकी वजह से हमारे जो डांसर है वो भी प्रो है। प्रो इट अप चैलेंज पे पहले परफॉर्म करने आती है टीम पुनीत से रितिका। बात करें परफॉर्मेंस की तो शक्ति मैम को रितिका का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगता। शक्ति मैम का कहना यह रहता है कि उनका स्टार्ट अच्छा था पर उसके बाद ड्रॉप डाउन होते हुए उन्हें दिखा, पर रेमो सर इससे बिल्कुल ही डिसएग्री करते हैं। और राहुल सर का कहना भी ये रहता है कि शक्ति मैम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है। और वहीं शक्ति मैम का कहना ये रहता है कि रितिका छोटी है पर यह कॉम्पिटिशन है, सब एक बराबर है कॉम्पिटिशन पे, और जिसके चलते रितिका को स्कोर मिलता है शक्ति मैम की तरफ से 4, धर्मेश सर की तरफ से 5, पुनीत सर की तरफ से 5 और रेमो सर की तरफ से 10 और रितिका का टोटल स्कोर होता है 24। और शो पर सेकंड परफॉर्म करते हैं टीम शक्ति से आशीष एंड हिमांशु। अगर बात करें इनके परफॉर्मेंस की तो इनका परफॉर्मेंस तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इमोशनली मैं भी कनेक्ट हो चुका था इनके परफॉर्मेंस से। पर राहुल सर को इनका परफॉर्मेंस में डांस थोड़ा कम लगा, ऐसा राहुल सर का कहना था, जिससे शक्ति मैम बिल्कुल ही डिसएग्री करती थी। इस बारे में आप लोगों को क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इनके परफॉर्मेंस पे इनको स्कोर मिलता है शक्ति मैम की तरफ से 5, धर्मेश सर की तरफ से 4, पुनीत सर की तरफ से 5 और रेमो सर की तरफ से 10 और इनका टोटल स्कोर होता है 24। और हमें एपिसोड 23 पे लास्ट परफॉर्म करते हुए दिखते हैं टीम राहुल से आकांक्षा। दोनों तुझ पे
बात की जाए इनके परफॉर्मेंस की, तो इनके परफॉर्मेंस में जहां हमें देखने मिलता है कृष्ण के प्रति मीरा का प्यार, ये एक्ट उस बेस पे था जहां आकांक्षा कुछ अलग ही जोन पे दिखी, जहां वो हमेशा हार्डकोर डांस करती थी, आज थोड़ा सॉफ्ट डांस इस परफॉर्मेंस में देखने मिला, जहां रेमो सर भी ये कहते हैं कि ये अब तक का आकांक्षा का बेस्ट एक्ट था और जिसके चलते आकांक्षा का स्कोर रहता है शक्ति मैम की तरफ से 5, धर्मेश सर की तरफ से 5, पुनित सर की तरफ से 5 और रेमो सर की तरफ से 10 और आकांक्षा का टोटल स्कोर होता है 25। एपिसोड 23 के एंड पे स्कोर रहता है टीम पुनित 76, टीम शक्ति 71 और टीम राहुल 70। चलिए बात करते हैं एपिसोड 24 की, जहां रेमो सर का चैलेंज था रिवर्स एंड फास्ट फॉरवर्ड, जहां टीम कैप्टन को अपने कंटेस्टेंट को रिवर्स और फास्ट फॉरवर्ड पर परफॉर्म करवाना था, जहां तीनों टीम में से सिर्फ एक ही टीम को प्लस 10 मार्क्स मिलने वाले थे। और रेमो सर के चैलेंज पे पहले परफॉर्म करने आए टीम पुनित से ब्रदर बॉन्ड क्रू। अगर बात की जाए इनके परफॉर्मेंस की, तो इनके परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट और एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा लाजवाब था, जहां इनके रिवर्स और फास्ट फॉरवर्ड पे भी एक स्टोरी समझ पे आती थी। और एपिसोड में सेकंड परफॉर्म करते हुए दिखे टीम राहुल से राम, रमेश और किशन। अगर बात की जाए इनके परफॉर्मेंस की, तो इनके परफॉर्मेंस में डिफिकल्टी लेवल बहुत ही ज्यादा थी और उन्होंने जिस तरह एग्जीक्यूट किया अपने परफॉर्मेंस को, बहुत ही ज्यादा लाजवाब था। और रेमो सर को चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए लास्ट परफॉर्म करने आती है टीम शक्ति से रितेश। बात की जाए रितेश के परफॉर्मेंस की, तो रितेश का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, उसके डांसिंग पे कंट्रोल दिख रहा था और जो चैलेंज था वो चैलेंज पर बिल्कुल खरे उतर रहे थे। यही रितेश के परफॉर्मेंस के बाद रेमो सर का चैलेंज हो जाता है कंप्लीट और इस चैलेंज को जीतते हैं टीम राहुल और उनको मिलता है प्लस 10, जिससे उनका स्कोर हो जाता है 80 और टीम पुनित 76 और टीम शक्ति 71 और बैटल पे जाते हैं टीम पुनित और टीम राहुल। और बैटल पे आते हैं टीम राहुल से राम, रमेश और किशन और वहीं टीम पुनित से राकेश। अगर बात करें बैटल के रिजल्ट की, तो रिजल्ट बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रहता है। रेमो सर यहाँ पर दोनों कंटेस्टेंट को जिता देते हैं और यहीं पर दोनों पहुंच जाते हैं टॉप 8 पर। यहाँ पर टीम पुनित और टीम राहुल से दोनों कंटेस्टेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, राकेश और आरआरके। दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड 24 का एंड हो जाता है। आप लोगों को ये अपडेट कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोगों को डांस प्लस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी अपडेट चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हिप हॉप जिंदाबाद।